प्यारे बच्चों, हम बताएंगे विभव मापी के बारे में। विभव मापी को अंग्रेजी में पोटेंशियोमीटर कहते हैं। बच्चों, विभव मापी एक उपकरण ऑपरेटस है। विभव मापी द्वारा किसी सेल का, जैसे बच्चों ये सेल है, इसका विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कैपिटल ई ज्ञात किया जा सकता है। यानी विभव मापी क्या है? एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात किया जा सकता है और दो बिंदुओं, जैसे ए और बी दो बिंदु हैं, दो बिंदुओं के बीच का पीडी पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर ज्ञात किया जा सकता है। तो कोई भी पूछे कि विभव मापी क्या है, तो बोलोगे कि विभव मापी एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा किसी सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल ई एवं किसी इन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विद्युत विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस पीडी ज्ञात किया जा सकता है। अब आइए बच्चों, इसके सिद्धांत के बारे में बताएं कैसे है। जैसे मान लो ए बी क्या है? विभव मापी का तार है। ए बी क्या है? विभव मापी का तार है। बच्चों, बिंदु ए को हमने एक यहां पर संचायक सेल है या बैटरी है बी वन, इसके धन सिरे से जोड़ दिया। फिर यहां बच्चों कुंजी लगाया। बच्चों, ये आरएच का मतलब है रियास्टेट। रियास्टेट माने होता है धारा नियंत्रक, करंट कंट्रोलर। ये धारा पर नियंत्रण रखता है, जब चाहे जितना चाहे उतनी धारा बहाए, धारा बढ़ा सकते हैं, धारा घटा सकते हैं। फिर इसको बच्चों ले आकर के यहां बी से जोड़ दिया। अब मान लीजिए ये सेल है, हमको दिया गया है और हमको इसका विद्युत वाहक बल निकालना है, तो हम इस सेल के धन सिरे को कहां से जोड़ेंगे? बिंदु ए से। और इसके ऋण सिरों को किससे जोड़ेंगे बच्चों? ये है गैलेनोमीटर। क्या है? गैलेनोमीटर कैपिटल जी, यहां इससे जोड़ेंगे। और बच्चों, ये गैलेनोमीटर से ये क्या जुड़ा हुआ है? ये इसका नाम है जौकी। ये जौकी लगा हुआ है। जौकी का मतलब बच्चों क्या होता है? सर्पी कुंजी। ये पीतल की छड़ होती है, पीतल की छड़। ये इस जौकी को इस तार पर आगे पीछे खिसका सकते हैं। तो बच्चों, जब हम जौकी को ध्यान से देखो, बिंदु जेवन पर रखते हैं, यहां पर जौकी को जब जेवन पर रखते हैं तो क्या हो रहा है? धारा मापी की सुई ये इधर की ओर विक्षेपित हो रही। और इसके अब ये चित्र में दूर हमने दिखाया बच्चों, इसके पास ही ये पॉइंट है, दूर ज्यादा दूर नहीं है। जब हम इसको खिसका कर यहां रखेंगे, ऐसे करके बच्चों जौकी को ऐसे खिसका दिया, ऐसे करके यहां कर दिया। और जब जौकी ऐसे हो गई तो धारा मापी की सुई देखो बच्चों किधर भाग गई? ये इधर पहले किधर जा रही थी? बाईं ओर। अब किधर गई? दाईं ओर। लेकिन बच्चों, जब हम इस जौकी को खिसका करके बिंदु जे पर रखेंगे तो क्या होगा? ये धारा मापी की सुई न दाईं ओर जाएगी न बाईं ओर जाएगी, बल्कि ये जीरो पॉइंट पर टिकी रहेगी। तो ऐसी स्थिति को कहते हैं बच्चों शून्य विक्षेप स्थिति, नल पॉइंट पोजीशन। और यहां तक ये पॉइंट क्या बोला जाएगा? नल पॉइंट क्या बोला जाएगा? नल डिफ्लेक्शन पॉइंट। तो ऐसी स्थिति में बच्चों ए और जे के बीच की जो डिस्टेंस है या जो ये लंबाई है, ये ज्ञात कर लेंगे
मान लो ए और जे की बीच की लंबाई एल है, तो बच्चों बी बराबर होता है के इनटू एल, और यही बी बराबर क्या हो जाएगा ई, तो बच्चों ई बराबर क्या होगा के इनटू एल। इस सूत्र के माध्यम से हम सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये लंबाई मालूम रहेगी, और के क्या है विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट, के क्या है विभव प्रवणता पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये विभव प्रवणता क्या होती है बच्चों, जब सेल द्वारा जो धारा दी जा रही है, ये धारा जब आगे ए से बी की ओर जाती है, तो होता क्या है इसका विभव धीरे धीरे गिरता है, विभव कम होता चला जाता है, एकांक लंबाई में होने वाले विभव में पतन या विभव में कमी को विभव प्रवणता, और विभव प्रवणता को कैसे प्रदर्शित करती, तो E बराबर के इनटू L हमें के मालूम रहेगा, तो और L हमने यहां निकाल लिया, L क्या होगा बच्चों A से लेकर J तक की जो दूरी है, ये जो तार की A लंबाई है ये L है, तो L K में L का गुणा कर देंगे, इस सेल का हमें क्या मालूम हो जाएगा विद्युत वाहक बल। बच्चों ये सेल, ये बैटरी भी धारा देती है, ये सेल भी धारा देता है, ध्यान दो, जैसे मान लो ये बैटरी जो धारा दे रही है वो ज्यादा धारा दे रही है, सेल धारा कम दे रही है, तो इसका नतीजा क्या, नतीजा ये होगा कि ए से बी की ओर धारा बहेगी इधर से इधर, तो सुई इधर भागेगी, और जब बच्चों सेल की जो धारा है ये बैटरी की धारा से अधिक होगी, तब ये गैल्वेनोमीटर की सुई इधर भागेगी, लेकिन जब बच्चों ये बैटरी द्वारा जो दी गई धारा और सेल द्वारा दी गई धारा दोनों धाराएं बराबर होंगी, तो यहां गैल्वेनोमीटर की सुई में ये सुई है निडिल में कोई भी छेद नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति को क्या बोलेंगे नल डिफ्लेक्शन पोजीशन, नल डिफ्लेक्शन पॉइंट, शून्य विक्षेप बिंदु। बच्चों ये जो विभव मापी होता है ये आपको प्रयोगशाला में देखने को मिलेगा, लकड़ी का एक बोर्ड होगा, लकड़ी के बोर्ड में यहां पर पेंच लगा होगा, और मान लो यहां पर भी पेंच लगा रहेगा, ये पेंच बी ये पेंच ए नाम रख दिया बच्चों, यहां जैसे ये तार लगा रहेगा इसे, फिर ये तार की पत्ती यहां लगी रहेगी, फिर तार ऐसे लगा रहेगा, फिर इधर भी पत्ती रहेगी, फिर तार ऐसे रहेगा, फिर ऐसे पत्ती लगी रहेगी, ये तार ऐसे रहेगा, ऐसे करके जैसे ये तार ये तार ये तार ये तार कई तार इसमें लगे रहते हैं, बस यही है बच्चों विभव मापी, ये जो आपके सामने देख रहे हो यही विभव मापी है, यही है पोटेंशियोमीटर, ये क्या है ये तार लगे हैं, एक एक मीटर के तार लगे हैं, मान लो अब एक एक मीटर के मान लीजिए एक दो तीन चार तार लगे, इससे ज्यादा भी लग सकते हैं, ऐसे जोड़ते चले जाए पांच तार छह तार सात तार दस तार, ये यहां पेच लगे हुए हैं, तो ये ए और बी जो मैंने दिखाया है वो यही ए और बी, तो ये किस काम में आता है विभव मापी, पीडी, पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मींस विद्युत वाहक बल, किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना हो या किन्हीं दो बिंदुओं जैसे ए और जे के बीच विभव अंतर, विभव में अंतर पीडी ज्ञात करना हो, तो हम विभव मापी का प्रयोग करते हैं, और विभव मापी है क्या एक उपकरण है, एक ऑपरेटर। तो यह था विभव मापी के बारे में कुछ जानकारी।